चल पढ़ने बैठ ना गिरा तो भगा दिया इसको कोचिंग से। पढ़ने गया तो भगा दिया, देरी करके गया तो बेटा। इतना सफा तुम झूठ बोलते हो, तो शर्म नहीं लगता इतना सफा झूठ बोलने में? मेरा इल्जाम लगा देते हो कि मम्मी हम सोए हुए तो मम्मी नहीं उठाई, देरी करके उठाई है। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए ब्लॉग में। तो कैसे आप सब? आशा करते आप सभी को बहुत अच्छा हो। मैं बहुत अच्छी हूँ, शिवगुरु के आशीर्वाद से। तो गाइस अभी हम जस्ट तुरंत नहा कर ही आए हैं, क्योंकि जो हम तैयार हो गए हैं। और मेरा खाना वाना सभी चीज़ बन गया है गाइस। सभी चावल भी बन चुका है, चाय खोल रहा है। और ये देखिए मछली का झोल है। मछली का झोल में दे दिए हैं बीमा गाजर देकर बनाए हैं गाइस। तुरंत नहा कर आए हैं, जल्दी चाय क्योंकि जाने का देरी हो जाएगा, इसलिए जल्दी हम चाय को बनाने के लिए जल्दी से नहा कर आए। अभी साड़ी पहनेंगे थोड़ी देर बाद। और ये देखिए जानू भी मेरा नहा धो के एकदम मस्त तैयार हो गए हैं। चाय पियेंगे, टिफिन लेंगे, चल जाएंगे डायरेक्ट। खानों का टिफिन भी सजाना है। गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए मेरी सास पूजा कर रही है। गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग। जानों को चाय दे देना तो देरी हो जाएगा। जानों का खाना निकाल रहे हैं गाइस। ये टिफिन में चावल है और यहाँ देखिए 2 पीस मछली निकाले हैं और इसमें झोल डाल दो। की गान कर चीज की गान हाँ सुने देखो कि बाबा खूब भालो गान तो उरी बाबा के दिए छो इटा हाँ मीता मासी दिए छे निशा निशा ओहो स्वानी नहा कर आ गई है गाइस। स्कूल जाएगी एग्जाम देने। हाँ छोटो हाँ वाह वाह खा लो। हमको पैसा ही नहीं देते, उसको 200 रुपया दिए हैं। 100 रुपया में तो 50 रुपया आपके लिए चरगोदा मंगाए, आप 20 रुपया का आपका ही मंगाए। वीर का चप्पल टूट गया तो चप्पल बनवाए, आप 20 रुपया फिर तो वीर ले लिया। और लड़की को 150 बोले देने तो 200 दे रहे हैं। देखा स्वानी देख रहे का खुश है। 120 रुपया गाड़ी भाड़ा, 30 रुपया खाने का और उसका पापा का किया है 200 रुपया दिया है। टाटा गाड़ी कितना खाएगी? 30 रुपया का खाएगी। हम तो घर में मछली भात बनाई किए हैं। वाह वाह देखे बोले कि उसको 150 रुपया दीजिए। 120 रुपया ओला बाइक में करके जाती, ओला बाइक में 60 रुपया आने जाने में, 30 रुपया खाने का, 150 रुपया देने बोले हैं। उसको 200 रुपये उसका पापा दिया है। हाँ मांगे तो नहीं दिया है, बोले कल तो तुमको दिए थे 100 रुपया। आप खुश देख रहे बोले 150 रुपया ले, आप 50 रुपया रिटर्न दे। बोला नहीं 200 दे दे, 200 रुपया दे दे पूरा। भात खा के जाएगी क्या? निकाल दे खाना। उन लोग का सवेरे नाश्ता करने का आदत ही नहीं ना, वीर का आना सुहानी का। जानू भी नहीं, जानू भी ऐसी ही, उनको भी अच्छा नहीं लगता है सवेरे नाश्ता करना। ये जो देखिए इतना खाना बनाया ना, कुछ नहीं खा के किया है। टिफ़िन बोले हैं बना देंगे, वो भी बोले नहीं हमको टिफ़िन मत बना के दो, खाली दोपहर का खाना बना कर दो। खाली चाय बिस्किट खा के निकल गए जानू। देखिए जानू गाइस काम में जा रहे हैं, भगवान को गोर लग रहे सूर्यदेव को। 2 hours later। हाय गाइस देखिए अभी हम जीन्स पहने हैं और ये देखिए जूता पहने हैं, जीन्स पहने हैं। कुछ शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं, तो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। स्वानी तो एग्ज़ाम देने चली गई है, जानू भी काम में चल गए हैं और हम अब सारा दिन फ्री हैं हम, तो सोचे कुछ शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं डांस का। तो गाइस बहुत सारा वीडियो बना लिए हैं और दोपहर का खाना भी हम खा लिए हैं। और अभी देखिए स्वानी खा रही है। स्वानी एग्ज़ाम देकर आ गई है गाइस। कैसा एग्ज़ाम दी आज? बहुत अच्छा। स्वानी का आज का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया। अरे देखिए मेरी सास सोई हुई है। करे तुमको टीवी देखने बोले हैं, पढ़ने नहीं याद है? हाँ मारेंगे ना एक थप्पड़ तुमको, मैम भगा दिए तुमको शर्म नहीं है? हाँ बंद का नहीं हो रहा मैम तेरे को भगा दिया, तेरे को शर्म नहीं लग रहा है? हाँ, याद नहीं रहता तुम ऐसे खेलने चल जाएगा माठ में जो तुमको याद ही नहीं रहेगा कि हमको कोचिंग जाना है। तुम्हारा तो अभी स्कूल छुट्टी है, तुम 5:30 बजे पढ़ने चल जाया करो, 4 बजे तक खेलो, 4:30 बजे तक खेल के तुम घर आ जाओ। शर्म नहीं लगता? मैम फ़ोन करके इतना बात बोल रही है हमको, होमवर्क नहीं करके आता है, 2 हफ्ता पहले को होमवर्क दिए नहीं किया है का, लाइफ साइंस में होमवर्क और मैथ होमवर्क करे देख, चूल नोच लेंगे तेरा, तुम चूल्हे नोच लेंगे, चूल नोच लेंगे तेरा। अभी हम उठ गई जो, अभी तुम होमवर्क करो। मैम का फ़ोन आया था, उसको बोले होमवर्क कीजिए, होमवर्क करने बोलिए, कल तुमको जाने बोला है, आज उसको भगा दिया जानते हैं गाइज कोचिंग से, देरी करके गया है, स्कूल छुट्टी है, तुम 5:30 बजे से कोचिंग है, तुम 5:30 बजे चल जाओ, 6 बजे पढ़ने 6:30 बजे जाता है, खेलने चल गया। घर में रहेगा तब तो हम उसको बोलेंगे, घर ही में नहीं था, हम उसको खेलने जाने भी मना किए थे, हम सो गए, खेलने चल गया है, फुटबॉल खेलने चल गया। अब 6:10 में आया है, 6:10 में आके नहाया भी नहीं, हर बार हर पढ़ने चल गया, मैम भगा दी। और भी तो कहीं कोचिंग पढ़ाने जाती है ना, इसी का पीछे लगी रहेगी, होमवर्क भी नहीं किया है ना कि। कौन होमवर्क तो तुम नहीं करके गया था रे? लाइफ साइंस और मैथ बोली, मैथ तो आ ही नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ना देखो कुछ समझ में नहीं आता, देखो खाली गेम समझ में आता है, गेम खेलते खाली, देखो कुछ समझ में नहीं आता है। जब तक तुम नहीं समझेगा, नहीं लीजिएगा, तुमको हम फोन नहीं देंगे, आना गेम खेलने देंगे, हम बोल दे रहे हैं तुमको, तुमको हम बार बार बोलते हैं, तुम सब चीज़ करो, खेलो कूदो, खेलने जाओ, गेम खेलो, लेकिन पढ़ाई भी करो, पढ़ाई भी जरूरी है। कुछ खाने को अभी नहीं मिलेगा तुमको, पहले होमवर्क करो मैम का ना, तो गेम डिलीट कर दिए ना अभी, फिर तुम डाउनलोड आज तुमको करने ही नहीं देंगे हम गेम। अब पापा आएगा तो रुको, तुमको पापा को हम फ़ोन किए थे, पापा बिजी था, बोला हम बाद में फ़ोन करेंगे, पापा आएगा बेल्ट खोल के तक मारेगा ना, तब तुम सब नहीं मारते हैं ना, इसीलिए तू बढ़ गया है। पापा जब बेल्ट मारता ना तब तुम ठीक हो जाते हो, चूल पकड़ कर दीवार में ठोक देगा तुम, ठीक हो जाएगा तुम। शर्म नहीं लगता? भगा दिया इसको कोचिंग से, पढ़ने गया तो भगा दिया, देरी करके गया तो बेड टाइम में गया है। और रोज ना कि तुम वैसे करते हो, रोज ही तो तुम वैसे करते हो, देरी करके जाते हो, साइकिल कहाँ था? पढ़ने का डर से भाग जाते हो, 5:30 बजे पापा जी साइकिल लेके आ जाता है। अभी कहाँ आए थे? आज तो तुम नहीं था तो बाजार लेके फिर चल गया, और तुम जाके बोला है कि मम्मी हम सोए हुए थे। इतना सफा तुम झूठ बोलते हो, तो शर्म नहीं लगता इतना सफा झूठ बोलने में? मेरा इल्ज़ाम लगा देते हो कि मम्मी हम सोए हुए तो मम्मी नहीं उठाई, देरी करके उठाई है। कल बोला है कि मम्मी हमको चप्पल बनाने दी है, ये बात तो तुम बोला है। चप्पल बनाने गए थे। हाँ तो तुम क्या बोला कि हम दे के मम्मी चल जाएंगे, चप्पल दुकान में हम दे के चल जाएंगे। चप्पल दे के हम जा रहे थे, हम बोले दादा मम्मी पोड़े पोड़े आसबो तखन तो मत निये चले आओ, बोल रहा था कि ना हमें बंद कर दो निये चलो, नहीं देता हम तो तुमको बोले नहीं देता, तुम चप्पल तुम लेके चल जाता मैम के पास, दूसरा दिन देता मैम का दुआरी, घर का दुआरी के पास तुम चप्पल रख देता। अभी पढ़ने बैठो भी ना तो बहुत मार खा जाएगा, हम पापा आएगा तो हम बेल्ट से तुमको मार खिलवाएंगे। हाँ अभी तुम पढ़ने बैठो, हमको कुछ खाना था तो लग जाएगा। मार देंगे हम, अभी दिमाग मेरा खराब होगा, हम नहीं मारते हैं बोल के तू बदमाश, लग जाएगा क्या? लग जाएगा 1 लाख लग गया, हट रे हट हट, 10 लग जाएगा लग गया। बहुत मार मारेंगे, जल्दी पढ़े बैठ, बैठ रहे दो हमको, कितना छोड़ बैठ, ये बाबा रोड से मार रही, चल पढ़ने बैठ ना गिरा, बैठ रहे दो पढ़ने बैठ। अभी होमवर्क नहीं करते, अभी पापा का मार बाकी, हम नहीं मारते हैं ना इसीलिए, अरे बैठ दो, नहीं मारते ना इसीलिए तुम बदमाश हो गए। बैठ रहे हैं, शर्म नहीं लगता? हमको कितना बात सुनाई है मैम, सोया का है, उठो, बैग कहाँ? बैग हम ला के देंगे, जल्दी उठ, भूख लगा, आज कुछ खाने को तुमको नहीं मिलेगा, तुमने गेम डिलीट कर दिया, कुछ खाने को नहीं मिला जब तक तुम होमवर्क नहीं करेगा। उठने बोल रहे हैं, उठने दो, बैग हम देंगे, उठ जल्दी से उठ तो गए है। चल जा दिमाग खराब होमवर्क कर और पूरा होमवर्क करेगा, जितना मैम दी है सब होमवर्क करेगा। तुम हम बोल दे रहे हैं अरे तो बहुत मार खाएगा। होमवर्क करके मैम को व्हाट्सएप में भेजो, भेज के देखो होमवर्क हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं याद आ रहा बार बार पूछो, मैम से पूछा बार बार होमवर्क कर, हम बोल दे रहे हैं। और कुछ खाना अभी तुमको नहीं मिलेगा, अभी तुम खाली पढ़ाई करेगा। और मैथ भी वो तो बोली है कि लाइफ साइंस है। हाँ पूछ रहे कुछ, हम पूछ रहे हैं। अरे हाँ तो ठीक से बात ठीक से उठ के बैठो। ऐसे पढ़ाई सो के पढ़ाई नहीं होता है, बेदबचरा जैसे जो सो गया है। उठेगा तू ठीक से, सिस्टर उठ के बैठो। हाँ ऐसे पढ़ा जाता है। पूरा होमवर्क कराया, तुमको खाना उना कुछ नहीं मिलेगा। अब पापा आएगा, पापा का मारा भी बाकी है। शिकायत बोलना जरूरी है। शिकायतें बोलते रहती है मेरा बच्चा का। तो आपका पोता का शिकायत नहीं करेंगे? कितना बड़ा बदमाशी किया जानते हैं? क्या किया है बोल दीजिए। आपका पोता का किया है, उतना सब बच्चा करता है। का किया बोला कि तो माँ से पूछे ना का किया। नहीं कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। आपका पोता का किया बोल दीजिए। कुछ नहीं, देख रहे बोलने नहीं दे रही है। मेरी सास बोलने नहीं दे रही है, बोली नहीं मेरा पोता का शिकायत मत करो, जानता जानू मारेगा पीटेगा। इसीलिए मेरा सास देखिए शहर आ रही है, देखिए अपना पोता और मेरा पता सो गया, उसका शिकायत मत बतियाओ। क्या किया जानते हैं? होमवर्क नहीं किया है और देरी करके जा रहा है, रोज कोचिंग देरी करके जा रहा है। आज उसको मैम भगा दी कोचिंग से। मारे हैं तो उसको बिल मारे हैं। अब फिर भी हंस रहा है बेशरम जैसा। बेशरम की अभी निकाल रहे सो गइल बा। उसको मारना जरूरी है, मारना जरूरी है। होमवर्क 2 हफ्ता से एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क नहीं कर करके लेके जा रहा था। बार बार बिना होमवर्क किए चल जा रहा था और रोज देरी करके जा रहा है। खेलने चल जा रहा है, खेल के आ रहा है 6 बजे। ठीक से सो बाबू, 6 बजे आ रहा है। वीर देखिए सो गया नहीं। ठीक से ऐसे करके बदमाश हो जा रहा है, बिगड़ जा रहा है। उसको चूल कटाने का नहीं भेज रही है। अरे बोले तो उसको नहीं जाने में लगा। चूल नहीं कटा, कल बाबा रविवार है, कल आज बृहस्पतिवार, कल शुक्रवार, कल चूल नहीं काटा देखना ना उसको। आज उसने तो सुबह कोचिंग नहीं जा रहा, ड्रामा हो रहा है इसका। और उसको मैम पढ़ने गया था, उसको मैम घर से भगा दी, बोले कि नहीं तो होमवर्क नहीं करके आता और रोज देरी करके आता, रोज देरी करके जाता है। उधर का पैसा जुगाड़ कर ड्रामा हो रहा है। ठीक पढ़ाने का टाइम में खेलने चल जाएगा, खेल के 6 बजे आएगा। 6:10 में आज आया है, खेल के आ गया 6:30 बजे। इसीलिए मैम कितना गुस्सा कर रही थी, इसीलिए भगा दिया आज कोचिंग से। डांटे हैं, बके हैं, होमवर्क किया है तब अभी जाके सोया है। जानता है उसका पापा आके मारेगा, हम बोलेंगे शिकायत करेंगे तो उसका पापा मारेगा। और पापा का आने का आगे ही सो गया है, जाके डर से सो गया है। उसका पापा बोला सो के उठने दो तो मारेंगे। बहुत बदमाश है। तो गाइस देखिए हम आटा सान लिए हैं और ये टमाटर और बैंगन दे के भूज रहे हैं। अब खूब हवा चल रहा है गाइस, बारिश होने वाला है और सना गर्मी भी आने वाला है। देखिए गाड़ी देखिए, पत्ता उत्ता सब हिल रहा है। देखिए उड़ के पत्ता सब आया है। हवा चल रहा है, टिप टप बारिश होने वाला है। देखिए आकाश देख रहे पूरा सादा हो गया है। तो ठीक है गाइज, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते रहे हैं। अब निकला अगले नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट आप सभी को।